वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट अड्डा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। टीम इंडिया में इस वक्त उप कप्तान बनने के 3 मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। अनुभवी बैटर चेतेश्वर पुजारा, बॉलर रविचंद्रन अश्विन और मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर में से कोई एक नया उप कप्तान बन सकता है। चेतेश्वर पुजारा 35 साल के पुजारा भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और टेस्ट टीम के चुनिंदा परमानेंट मेंबर में से एक है। इंजर्ड कम होते हैं और अपने अनुभव से रोहित की गैरमौजूदगी में कप्तान कमान संभाल सकते हैं। रविचंद्र अश्विन 36 साल का अश्विन भारत के लिए 90 टेस्ट खेल चुके हैं। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव भी है। अश्विन नए उप कप्तान हो सकते हैं, लेकिन विदेश के टेस्ट में भारतीय टीम एक ही स्पिनर को प्लेइंग 11 में शामिल करती है, तब अश्विन और जडेजा में से किसी एक को ही मौका मिलता है। ऐसे में अश्विन का सिलेक्शन मुश्किल लगता है। श्रेयस अय्यर 28 साल के श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ सालों में भारत की वनडे और टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए टीम को मुश्किल परिस्थिति में जिताने की कला से और टीम के नए उप कप्तान बन सकते हैं। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने अपनी लीडरशिप में साबित भी किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।